मरने के बाद कौन किस योनि में जन्म लेगा ये कौन तय करता है? यह कैसे तय होता है कि हम कब और कहां जन्म लेंगे? क्या हम यह तय कर सकते हैं कि हमें किस गर्भ से पैदा होना है? हम अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद आपने कई बार सोचा होगा। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पुनर्जन्म की स्थिति में कोई जरूरी नहीं कि लिंग, यहां तक कि प्रजाति भी पिछले जन्म जैसी ही हो। दरअसल ये सारी चीजें अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति से तय होती हैं। ऐसा कई धर्म गुरुओं के साथ हुआ है कि उनके शिष्य जो पिछले जन्म में किसी योनि में थे, वह इस जन्म में कोई दूसरी योनि में आ गए हों। ऐसा कई योगियों के साथ भी हुआ है, खास तौर पर गौतम बुद्ध के आसपास कई बौद्ध भिक्षु दोबारा स्त्री रूप में पैदा हुए। ये बौद्ध भिक्षु अपने पिछले जन्मों में जब बुद्ध के पास थे तो तादाद में वहां महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुष ज्यादा थे। पुरुषों की अधिक तादाद के पीछे मुख्य रूप से सांस्कृतिक वजह थी। जो भिक्षु एक पुरुष रूप में बुद्ध के पास थे, उन्होंने यह महसूस किया कि महिला भिक्षुणियां पुरुष भिक्षुओं के कंपैरिजन में कहीं बेहतर तरीके से खुद को बुद्ध से जोड़ पा रही थी। यह वजह थी कि महिलाओं को किसी के प्रति इमोशनल लेवल पर गहराई से जुड़ पाना एक नेचुरल सी बात है। जहां पुरुष लंबे समय तक बैठकर कड़ी साधना कर रहे थे और दूसरी ओर भिक्षुणियां बुद्ध के प्रति प्रेम से पूरी भरी थीं और बुद्ध भी उनकी ओर सौम्यता से निहार रहे थे। इससे पुरुषों को ईर्ष्या होती थी, साथ ही उनके भीतर कहीं न कहीं महिलाओं की तरह बुद्ध से जुड़ने की लालसा भी थी। अपनी उसी लालसा के चलते बहुत से बुद्ध भिक्षु अगले जन्म में स्त्री रूप में पैदा हुए। प्रकृति के साथ साथ प्रवृत्ति के आधार पर कुदरत आपको एक अनुकूल शरीर देती है। मान लीजिए आपकी चाहत लगातार कुछ न कुछ खाने की है और आप खाने के दौरान ही मर जाते हैं, तो अगले जन्म में हो सकता है कि आप किसी के घर पालतू सुअर बनकर जन्मे जो हर वक्त खाता रहता है। लोगों को लगेगा कि सुअर के रूप में जन्म लेना अपने आप में एक सजा है, हालांकि यह कोई सजा नहीं है। कुदरत सजा या पुरस्कार के तौर पर चीजों को नहीं देखती, वह आपकी प्रवृत्ति को देखते हुए उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करती है। वह देखती है कि उन प्रवृत्तियों को पूरा करने में किस तरह का शरीर मददगार साबित हो सकता है, वही शरीर आप पाते हैं। जो बौद्ध भिक्षु स्त्री रूप में वापस लौटे, यह उनकी कोई सजा नहीं थी, बल्कि यह उनकी प्रवृत्ति और चाहत का नतीजा था। तो आपको कौन सा लिंग या रूप मिलता है, यह सब आपकी चाहत पर निर्भर करता है। इसलिए बेहतर होगा कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपने भीतर सभी सीमाओं से परे जाने की चाहत पैदा करें, क्योंकि यही वह तरीका है जिसमें कुदरत यह तय नहीं कर पाएगी कि वह आपके साथ क्या करे। दरअसल जब कुदरत को पता नहीं होता कि आपके साथ क्या किया जाए, तो यह आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है। लेकिन जब कुदरत को पता होता है कि आपके साथ क्या करना है, तो वह आपको इस खांचे या उस खांचे में रख देती है। प्रॉब्लम स्त्री या पुरुष शरीर, सुअर का शरीर या कॉकरोच या कोई और शरीर नहीं है, बल्कि यह शरीर भी अपने आप में एक खांचा है। है कि नहीं? अगर आप अपने भीतर इसकी उसकी चाहत पैदा करने से बचे रहते हैं, अपनी दृष्टि शून्य पर टिकाए रखते हैं और उसी में तलीन रहते हैं, तो कुदरत समझ ही नहीं पाती कि आपके साथ क्या किया जाए।
तब यह आपको इधर या उधर नहीं ढकेल सकती और न ही आपके ऊपर अपना कोई फैसला थोप सकती है। अगर कुदरत आपके बारे में फैसला नहीं ले सकती तो फिर कौन फैसला लेगा? जाहिर सी बात है, तब बस आपका ही फैसला चलेगा। तो दोस्तों, ये थी मरने के बाद योनि के चयन की सच्चाई। जानिए मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है हमारी अगली वीडियो में। और कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही माइथोलॉजी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।